यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। हिमाचल में जयराम सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक शिमला में हुई। बैठक में सरकार ने नई ऊर्जा नीति को मंजूरी देने के अलावा कई अहम फैसले भी लिए और बैठक में तर्क दिया गया कि ऊर्जा नीति के महंगे होने के कारण इसके निवेशक नहीं आ रहे थे और निवेश भी शिकायत कर रहे थे कि निवेश के बाद भी उन्हें हाइड्रो प्रोजेक्ट से लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने बिजली की ट्रांसमिशन कॉस्ट भी खत्म करने की घोषणा की थी और इसके साथ ही 10 मेगावाट तक तैयार की जाने वाली ऊर्जा की लागत अब बिजली बोर्ड वहन करेगा। और इतना ही नहीं, सरकार ने नए प्रोजेक्ट से मुफ्त ली जाने वाली 12% बिजली को भी खत्म कर दिया है। अब सरकार इन परियोजनाओं से खुद 12% बिजली लेगी। ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि 27,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की क्षमता के बाद भी हिमाचल 10,560 मेगावाट ही बिजली उत्पादन कर रहे हैं और इसे बढ़ाने और निवेशकों को प्रोत्साहित करने के लिए ही नई ऊर्जा नीति बनाई गई है। पैसों के अभाव में रुके प्रोजेक्ट को भी अब सरकार के सहयोग से शुरू किया जा सकेगा और इसके लिए भी योजना बनाई जा रही है। और कभी बिजली 7-8 रुपए यूनिट बिकती थी, आज 2.5-3 रुपए से ऊपर नहीं बिक रही है। तो उस मद्देनजर रखते हुए बहुत से लोगों ने जो जिनको अलॉटेड हमारे प्रोजेक्ट थे, जो कमीशन हो गए वो तो अलग बात है, उनके साथ जो एग्रीमेंट हुआ तो अलग बात है, परंतु जो हमारे अलॉटेड प्रोजेक्ट हैं उन अलॉटेड प्रोजेक्ट को इस तरीके से वाइबल बनाने के लिए कि वो लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है कम से कम वो निकल सके, तो इसके लिए हमने एक फैसला लिया कि 12 वर्ष तक जो हमारे 12% फ्री हम पावर लेते थे उनसे, उसको डेफर किया है। 0 से 12 साल तक जो है हम कोई फ्री पावर नहीं लेंगे और 12 साल के बाद जो हम 18% लेते थे उसको हमने बढ़ा के 24% कर दिया, इससे कि आगे जो है उसको 24% के हिसाब से आगे लेंगे और उतनी ही पावर लेंगे जितना हमारा उनके साथ एग्रीमेंट था।